वो 200 रुपए दे रहे हो ना गौशाला के लिए दान करने जा रहे हैं भैया, तो जय गौ माता जय गौ। तो राहुल भैया और नरेंद्र भैया को बुला रहे हैं, आपको बोला था इन्होंने? हाँ। दोनों का के बुला ले तो के बोले उनको मत बुलाओ। हाँ। हाँ। तो वाह तुम मत बुलाओ, वो इनको ढूंढते आगे बोले 5,000 दे दो ने, फिर गाय कभी भी ले जाना। ये बोल रहे मेरे को गाय नहीं चाहिए, मेरे को लेना ही नहीं। तो इनको जबरदस्ती पकड़ लिया, इनको सब तीनों को पकड़ लिया, वहाँ बिठा लेके जय श्री राम। धन मित्रों जय श्री राम। देपालपुर पशु मेला देख रहे हैं आप, आपको पता है कि आज मंगलवार है और 12 मार्च से आप गाय मंडी देपालपुर से वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए एक गाय जो शायद मनु भैया ने सेल करी है, तो उसकी पूरी जानकारी लेंगे। तो मनु भैया सेल हो गई है? हाँ, ये भाई साहब को दी है। किसको? ये भैया। जी भैया, किन्ने खरीदी है आपने भैया? कहाँ से आए हो? धनगांव से आए, सनावत के पास। सनावत के पास। नाम आपका? धर्मराज बिरला। धर्मराज जी, भैया ने खरीदी है तो मनु भैया आपकी गाय है ना? हाँ। भैया कितना दूध निकाल देगी? दूध को कल की जनी है, 8 लीटर टाइम का दूध है। अच्छा अच्छा, दूसरे में? तीसरे में। नीचे केड़ी है। हाँ, और क्या कीमत में बेची इसको? इनको 56,000 की। जी भैया, 56,000 में लिया। क्या मांगे थे मनु भैया ने? 63 मांगे थे। कितना दूध बताया? 15 बोल रहे हो। 15 लीटर। अच्छी गाय है, बढ़िया। कहाँ ले गए भैया उसको? अच्छा अच्छा, है हटो बच्चे का एज चलो ज्यादा कर। अच्छा अच्छा, बच्चे पे लगाव ज्यादा है। कल ही जानी है। हाँ, अच्छी है गाय, बढ़िया। धन भी बढ़िया है। और मनु भैया करीब 4-5 गाय लेकर खड़े हैं मंडी में, और आज का नज़ारा मंडी का देखे आप। हेलो, चेक कर रहे क्या? करो ना, देखते हैं शायद, चेक कर रहे हैं। बच्चे छोड़ लो। हाँ, बच्चे छोड़ लो। तो दोस्तों एक बार फिर बता दूं मैं कि देपालपुर पशु मेला जिला इंदौर मध्य प्रदेश में प्रत्येक मंगलवार को लगता है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप 9174878422 पर कॉल करें। और मैं हूं आपका किसान दोस्त नरेंद्र प्रजापत। मैंने जो आपको नंबर दिए हैं उस पे रात को 9 से 10 बजे आप कॉल कर सकते हैं। और भी गाय जो मंडी में देखे आप, एक से बढ़कर एक गाय हैं, उनको कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर बता दूं मैं कि किसी भी बात पर विश्वास ना करें, कीमत में दूध में जो भी होता है वो आपके अनुभव से ही होगा, ना मेरे YouTube चैनल पे भरोसा करें ना व्यापारियों पे। और दो गाय बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं भाई साहब। तो भैया दो ही ब्याई हुई है? दो ही ब्याई। अच्छा, कितने कितने दिन की होगी? दोनों 10-10, 8-8, 10-10 रोज की। 8-8, 10-10 रोज की। दूध कितना है? 8-8 किलो दूध है। दो ही के पास? दो ही के पास 8-8 किलो दूध। एक बार और चलाओ। क्या मांग रहे हैं इनके? 75,000 रुपए मांग रहे हैं दोनों के। दोस्तों 75-75 मांग रखी है, और बैठक पे एक गाय मान के चले आप 60 से अंदर अंदर मिल सकती है। बढ़िया है, दो ही गाय ताजी भी आई हुई। ये दोनों गाय लेने का विचार कर रहे हैं दादा, गाय के है ना? कहाँ से आए दादा? छोटा नागदा जिला धार से। आपको जमरी दोनों? आपको क्या भाव लग रही बताओ? 45-48। अच्छा, आपको 45-48 का है। तो दादा 45-48 लगा रहे हैं, और ये बेचने वाले दादा ने 62 बताए। 62 बताए। और केड़ी बच्ची है? अच्छा, बढ़िया है। जो करीब करीब 45 तो नहीं, फिर भी हम मान के चले कि 55 के आसपास हो सकता है। देखते हैं लाइव सौदा। बढ़िया गाय, सबूत बन भी बढ़िया है। अरे करे करे में कोई भी निकाल लो, चुन करा बच्चा पे डाल दिया था साहब। बाबू टपका लग गया कर देव कई देव, थोड़ा ऊपर नीचे करी के कई है। बता दिया भैया को क्या? ले जाओ।
कहाँ तक कर रहे हैं बताओ आप। मैं 45 के 48 के बीच में अगर हो जाएगी तो कर लेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर नहीं, मान सम्मान में। मान सम्मान में ऊपर नीचे क्या है, 48 अच्छा है। क्योंकि आओ 48,000 रुपए बोल रहे हैं, रुपए मांग ले हैं तो घर के आदमी। अरे ठीक है भावराव, भावराव की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, इनको कम बोले 62 बताए 60 दे देंगे। एक काम करो, ये बोल रहे हैं 48 की इनकी इच्छा है, करो नुकसान हो जाए। इन्हीं को देके आए वो ही कम बोल रहे हैं, तो घर जैसे ही है। इनसे कीमत वाली बात नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, कीमत वाली बात नहीं हो रही। ज्यादा से ज्यादा अपन 70-75 बता रहे, पर ये घर के थोड़ा बहुत करो आप भी ऊपर नीचे। भाई जी मैं अभी 60 बोल रहा हूं लच्छो। हां नहीं वो तो कब बोला है, अरे वाली बात भाई, गाय अच्छी है अपन अच्छी भाई, बहुत भला नहीं केड़ी है हमारी बात सुन। आपका पड़ोसी है, गांव का है, 50 में ठोक दो आप जाओ। अरे ठोको, अरे रखो मान सम्मान, रखो हमारी बात रखो। हां सही है, इधर आओ बाबू, दूसरे की राख मांगो। हां ये सब है नरेंद्र, नरेंद्र केड़ी कैसी है? एक नंबर केड़ी, कोई देखने की जरूरत ही नहीं उसको। अरे 56 दे दीजिए, थम हो थम आया तो बाजार में आवेगा। पर गाय थोड़ी बिक्री, गाय नहीं बिक्री बाबू, गाय बिक्री 7-8 आराम से, गाय नहीं बिक्री। 8-9 निकाल लो, 1 मिनट। अरे करो थोड़ा बहुत वीडियो में इनकी हो जाए ना अच्छी। हाँ लो बोलो, सही आवाज मारो, बस यार आखिरी है यार। आपके कसम बात नहीं, ये तो करना मना खड़ा होकर बस मारो। यो देवा को मतलब नहीं, लोगों का थोड़ा बहुत मान सम्मान, गांव मान सम्मान है हमारो। हम मारा लिए में आनी अरबों रुपया ना होता। हां एक जे, हां एक कान घर का मतलब बात कर अब जाओ रात में, को मैं तो कोई बात नहीं, बस एक काम आपको करना है। नहीं मैं तो को फिर अभी नहीं करूंगा, आखिरी बात मारे रखो, कहीं रखो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं अब मारी तो मारी रखी, जाओ 51,500 जाओ। ठोको, अरे ठोको, अरे नुकसान 52 बस लो, अरे 52 जाओ ठोको, ये 52,000 लो। अरे नहीं 1,000 महंगो, 1,000 बोलो महंगो लगी रही हूँ, लगी रही हूँ बोलोगा पड़ोसी दे देगा 500 दे देगा आपके। जाओ ठीक है जाओ, लगाओ बच्चों लगाओ, आओ जाओ लगाओ। आप हमारी बात रखिए, बहुत बढ़िया। देखिए आप करीब 52,000 से 53,000 रुपए में गाय हुई है, बढ़िया सौदा। अरे खालिज कर लो ना, लाइव मिल्किंग देखते हैं इसकी, और खरीदने वाले दादा मालूम लगे सारी पानी भी नरेंद्र आनी लड़की नहीं आनी, खाली घर का मना के तो इतनी बड़ी बात है। देखो आप तो दादा ने खरीद लिए। आपका नाम? जसवंत सिंह राठौर। गांव? दौलतपुरा नागदा। दौलतपुरा नागदा नागदा, जिलादार है ना? हाँ जिलादार, दोनों जिलेदार के ही। अच्छा दादा आपकी है ना गाय? हाँ। कौन से एरिया की गाय है? ये नागौर जिले की, मेड़ता सिटी की। मेड़ता सिटी की। कितना दूध दे देगी? दूध दे देगी मेरे हिसाब से 7 किलो। 7 किलो दूध, और 6 में तो मानता ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो अभी दूध निकालो ना इसका। हाँ निकाले ना, वो छोड़ दे बच्चे, तो देखते हैं बच्ची लगाई। बच्ची है नीचे, नीचे बच्ची है करीब 10-12 दिन की। बैठ जाओ बंदे को, अच्छी गाय सेल हुई है अच्छी कीमत में। 55 तक का मुड़ था दादा का, थोड़ा मेरे मान सम्मान में 52-53 में हुई है। अरे
ये अच्छी है क्यों गाड़ी चालू कर लो हाँ अच्छे अभी दूर तो वाला आपने निकाले ना हाँ अच्छा हाँ हाँ वो तो दोस्तों आप इस गाय का लाइव सौदा देख सकते हैं। दादा आए हैं, ये जो फोन पे बात कर रहे हैं इनको जम रही है, तो 75,000 रुपये मांग कर रहे हैं बेचने वाले। इन्होंने बताया कि 40-45,000 रुपये लगाए हैं। देखते हैं क्या तोड़ बट्टा होता है। अरे चार दादे चार है, अरे चार बार चार बताओ, दो हजार बहुत बताओ। हाँ कितना लगेंगे? वो सौदा नहीं जमा है, तो आगे बढ़ते हम। और एक गिर क्रॉस केड़ी जो दिखने में देखे आप बहुत बढ़िया है। बढ़िया दूध में करीब 5-5 लीटर मान के चले आप, वो भी ज्यादा है। 6 किलो अच्छा 6 किलो मांग 58,000। अट्ठावन मांग रखी है। दुजात में आराम से 7-8 लीटर। नीचे क्या है भैया? कितने दिन का है? 10-12 दिन का। देखते हैं एक बार ओरिजिनल में। हाँ ये 20-21 दिन का है केड़ा। ये दोनों तरफ किली गड़ी बराबर। अरे इधर लो नहीं भैया, इस साइड लो, इधर चला गया। आपसे कम नहीं दूंगा। आप ये तो कितने रुपये? आप तो बोल दो कि मैं इससे कम नहीं दूंगा। एक ही बात है, मतलब ये अभी मतलब कैमरे पे बात हो रही है। हाँ हाँ मतलब ऑनलाइन मैं तो खाली ऐसे कह दूंगा कि खाली अच्छा लगे। हाँ बता दो मेरे को पूर्वेगा तो मैं बोल दूंगा कि हाँ है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमने मांगे जो भी कुछ भी आपको खूब अच्छी लगे। 51,000 रुपये का बच्चा लगा कर रहे हैं केड़ी है। अरे नहीं, अरे 51,000 का बहुत अच्छा लगा। जीवान दीदी आपको 51,000 का बच्चा खरा, 1 रुपये में खूब पास करना उसे। आपके चार ही आंचल से लेके आंख दांत कहीं भी कोई मिस्टेक हो, 36 में अगर कुछ भी ऐप हो उसके हम देंगे। या बहुत तो लगा लो। अरे मैं कह रहा हूँ 51 में खाली आप बच्चा लगाओ, पर खाली खाली आखिरी बात है। ठोको नहीं, 51,000 में मैं खाली कह रहा हूँ। अरे भाई बात तो सुनो। नहीं है थोड़ी हकीकत, नारायण भी हकीकत कह रहा हूँ। अरे हाँ खाली आपके सामने है, इतनी बात कर रहा हूँ। 47 में मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुनो। ये नहीं है ना हकीकत की रहा हूँ, जब मैं जीवान दे रहा हूँ अगर कोई मिस्टेक अगर आ जाए हमारी तो बात मानो। हमें मत पकड़ा, नरेंद्र जी को पकड़ा देना, हमारे पकड़ा देंगे। जाओ लाजवाब। अरे नहीं मैंने खाली इसमें कोई कमी नहीं है। देखते हैं और ऐसी सेंधी भी कर रखी है कि रस्सी भी लगा सकते हैं अपन। अच्छा वो खुले बेर भी लगा, क्यों लगा के देखो नी। हाँ। बहुत बढ़िया गाय का सौदा हुआ है, गिर गाय के लिए, गिर क्रॉस जो मैं अखिलेश भैया महेश्वर वाले के लिए देख रहा था ये गाय, क्योंकि उनको ऐसी गाय पसंद है।
और मैं चाह रहा था कि उनको जम भी जाएगी है, बाउंस गई है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप भी बताएं कि करीब 48,000 रुपये में, भैया 48,000 रुपये में सौदा हुआ है इस गियर क्रॉस का, तो आप भी पहुंचे खरीदने के लिए और दो तीन तीन दिन पहले ही कॉल करें 9174878422। निकलो निकलो, डरते क्यों, डर क्यों रहो, कूदेगी तो हमारी कूदेगी, अगर कूद जाएगी तो मत लेना, कूदेगी हमारी, तब तो खुद ताकत से निकलो, खुद ताकत से निकलो, जितनी आप में ताकत हो उतनी ताकत लगा के निकालो। बाल्टी मंगवाओ, बाल्टी रामो, बाल्टी भैया बाल्टी में निकालो, डरेगी आपसे, पाँव बिल्कुल नहीं टोकेगी। हाँ भैया कैसी है, बढ़िया है। आपका नाम? भागीरथ। कहाँ से हैं आप? इटावा। इटावा तहसील? तहसील नागदा, जिला उज्जैन। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया है गाय, क्यों जम गई गाय, जम गई, अच्छा रहा सौदा, एक नंबर, एक नंबर। दोस्तों एक गिर गाय देखते हैं जो गिर क्रॉस में है, कितने दिन का बच्चा था? ये 5-6 रोज का है। 5-6 रोज का है और भैया रतलाम से आए हैं, तो भैया क्या नाम लिखते हैं आप? सचिन नागोरा। सचिन जी, बहुत दिन से हमारी व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे दोस्ती है ना जी। भैया बहुत दिन से याद भी कर रहे थे, आज मंडी पहुंचे हैं, रूबरू दर्शन भी हुए इनके, और इनको एक गाय चाहिए घर के लिए, तो देखते हैं। भैया दूध कितना है? 5.5 किलो इसके पास एक टाइम का। हाँ। कहाँ से हो आप? कानवन से। प्रॉपर कानवन से? हाँ, प्रॉपर। अच्छा, व्यापार करते हो? हाँ। गाय तो फिर इधर उधर की होगी कहीं की? ये है गुजरात की। अच्छा, ये सेकेंड में जनी हुई है। पक्का दूध कितना है? केलात में दिया इसने 6 लीटर। अभी? अभी 5.5 फिक्स है। मांग क्या कर रहे हो? 60,000। 60,000 6 रोज की है, 5 या 6 रोज की। अच्छा, 15-20 दिन में बढ़ती है। क्या उम्मीद है, कहाँ तक क्या? गाय भी अच्छी है। 47,000 रुपए में इस गाय का सौदा हो गया है, देखिए आप, सब उत्पन्न अच्छा था। नीचे बच्ची है क्या? गेड़ा, गेड़ा, गेड़ा है, गेड़ा है। भैया रतलाम से आए थे तो बहुत लेट आए, बहुत देर से वेट कर रहे हो। एक मिनट भैया बात करता हूँ, तो सेल हो करिए, मेरे साथ सौदा हुआ है और 45,000 रुपए की इच्छा थी दादा की थी, 50 की जो तोड़ बट्टा हुआ है 47,000 रुपए में, अच्छा चल रहा है। तो साहिवाल जो खंडोल में है, देखते हैं, अच्छी गाय है, दूध की कैपेसिटी है 5-1 लीटर, और यादव जी की गाय है जो खाचरोद से है। भैया राम राम। राम राम। दूध दूध कितना लगाए? देखिए आप, अडर तो थोड़ा कम बना हुआ है, अच्छी है खंडोल में, बहुत बढ़िया। और गाभन है और ही बच्ची। अच्छा, तो दूध कितना भैया? अभी 4.5-5 किलो एक टाइम का। एक टाइम का। मांग? इसकी मांग 55,000 रुपये। 55,000।
55,000 मांग रखी है, अच्छी है गाय, सपूतपन बहुत है, शांत स्वभाव। तो दादा जो रतलाम से आए हुए होते हैं, उन्होंने एक गिर गाय जो ये खरीदी है, तो हम गौशाला के लिए कुछ गोदान मांग रहे हैं। तो भैया, तो देखिए आप, आपका नाम भैया? दीपक राठौर। दीपक राठौर। आपका? सचिन नागौर। सचिन नागौर। तो 200 रुपए दे रहे ना गौशाला के लिए दान करने जा रहे हैं भैया, तो जय गौ माता जय गोपाल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक शंकर जर्सी गाय देपालपुर मंडी से देख रहे हैं, और कुछ भैया चापड़ा बागली से आए हुए हैं और उनको जम रही है, तो इस गाय का भी सौदा करते हैं। दूध करीब करीब मान के चले 5-1 लीटर के समथिंग है कैपेसिटी। और भैया आपका नाम? मुकेश पाटीदार। मुकेश जी पाटीदार, रहने वाले कहाँ से आप? हम चापड़ा के। चापड़ा के आप सब साथ में ही हो? चापड़ा से पहुँचे हैं, और अच्छी गाय है। तो भैया की गाय आपकी है ना भैया? जी भैया। कितना दूध दे देगी? दूध इसके नीचे अभी 3 दिन की जेनी है। हाँ, 5-5.5 किलो चीका, 1,000 या 7 लीटर दूध में दिक्कत नहीं आएगी इन्हें टाइम का। अच्छा, तो क्या मांग रहे हैं? शंकर जर्सी है, 62,000 रूपए। 62,000 रूपए मांग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, 62,000 मांग करी है, देखते हम। सपूतपन तो बढ़िया है, करीब दुजात में है, और नीचे बच्चा है करीब 5-4 रोज का ये वाला। आगे बढ़ते हैं, तो एक शंकर गाय और देखते हम, अच्छी है गाय, तो पीछे से देखेंगे तब पता चलेगा। चलाओ आगे, चलाओ। भैया कितना दूध है? दूध इसके नीचे है, 18 का दूध है। कौन से में जानी है? कौन से में जानी है? बयान दूसरे में। क्या है नीचे? नीचे बच्ची है। कितने दिन है? बच्ची इसकी है 12 दिन। क्या मांग कर रहे हैं? 70,000 रुपए कर रहे हैं। 74,000। ये देखना दोनों बच्ची। हाँ भैया। दोस्तों इस गाय का लाइव सौदा चल रहा है, जो दादा वीडियो देखकर बागली चापड़ा से आए हैं, और 4-5 लीटर दूध बता रहे हैं भैया। बस ये फाइनल भैया। नहीं नहीं, 45 मांग रखी है, देखते हैं भैया खरीदने वाले 30 लगाई है, मेरी उम्मीद है 35 तक के। बेटा बेटा डरो कले नहीं यार। अरे बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ तुम तो। अरे बैठ जाओ नहीं नीचे। अरे यार दादा, हम बैठ जाओ यार। और दूध तो देखो उबला की तरह रखियो, सफेद दूध है। दोस्तों फाइनल सौदा हो गया है, जो 32,000 रुपए में ये गाय सेल हुई है, देखिए आप। हाँ निकाल लो, जिके बैठो जो बैठो, और सब भाई बैठ के देखो, कोई दिक्कत नहीं। कठोर में दिक्कत आए, आप भी कमेंट्स करें। 45 मांग रखी थी, छोटा बच्चा है नीचे 2-3 दिन का, बछड़ी है, 5 लीटर दूध बता रहे हैं, और 32,000 रुपए खरीदने वाले भैया। भैया आपका नाम? अशोक पाटीदार। अशोक पाटीदार। अशोक भैया हैं, रहने वाले कहाँ से ओरिजिनल? ये चापड़ा बागली। चापड़ा बागली से हैं। हाँ ठीक है भैया।
तो गाय खरीदने के बाद देखे आप कि गौशाला के लिए हम जो छोटा मोटा दान लेते हैं तो भैया से आग्रह करेंगे कि 100 रुपये गौशाला में दान कर रहे हैं, जय गौ माता जय गोपाल। एक और भैया है जिन्होंने सुबह गाय खरीदी थी, उनसे भी गौशाला के लिए हम जो भी स्वेच्छा 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 कितने 100 रुपये दे रहे हैं। दोस्तों गाय मंडी से एक लेटेस्ट अपडेट देते हैं। ये भैया हमारी वीडियो देखकर कहां बाहर से आए थे, तो दादा क्या नाम है आपका? मनमोहन सिंह। कहां से पधारे हो? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ राजस्थान में पड़ता है। प्रतापगढ़ से आए थे राजस्थान से, और इन्होंने एक क्या गाय ली थी? इनको ये पूछा है भैया कि इनके साथ क्या हुआ, क्या हुआ बताओ आप। तो मैंने गाय देखने के लिए वहाँ पर गया। हाँ। तो मैंने कहा काका जी मेरे को एचएफ गाय चाहिए। हाँ। यहाँ ये एचएफ है। हाँ। और सिंग वाली थी और जर्सी थी। हाँ। फिर मैंने कहा कितने की? पहले बोला उन्होंने 72,000 रुपए। मैंने कहा नहीं, कि आप 10 का सिक्का दो मेरे को। मैंने 10 का दूध निकला था जबरदस्ती। मैंने कहा 50,000 रुपए। कहा 50 में? मैंने कहा राहुल भैया को बुला रहा हूँ मैं, राहुल भैया को नहीं बुलाना है। मैंने कहा मैं फोन लगा रहा हूँ कि नहीं, वो तो 3,000 रुपए लेगा, उनको नहीं बुलाना, मेरे से भी ले लेगा, तुमसे भी ले लेगा, गाय नहीं लेनी है। अच्छा। क्यों? करके मैं आ गया, मैंने कहा राहुल भैया आ गए, मैं बुलाने जा रहा हूँ। भैया किसने छुड़वाया आपको? नहीं नहीं, पहले पकड़ा, पहले छुड़वाया कहाँ, पकड़ा होगा पहले? पहले तो इन्होंने, उन्होंने इनको पकड़ लिया। पकड़ लिया। हाँ। फिर मैंने बोला इन्होंने 50 की गाय ली नहीं। हाँ। मैं बोला 45 की दिला दू वही गाय। हाँ। बोले भाई 45 की अगर लेते हो तो अभी दिला दू वही। इन्होंने 50 की रखी थी। मैंने वो बोला कि 3,000 रुपए लेंगे। मैंने कहा काम कर, मैं तो 10,000 रुपए लेता हूँ, है ना भैया, मगर एक काम कर, तेरी गाय इनको 50 में दे दी, जबरदस्ती कॉलर पकड़ी। हाँ। इनको बिठा लिया वहाँ पे। अच्छा। फिर पूछो इनको किसने छुड़वाया। हाँ, फिर क्या हुआ? आपको कॉलर पकड़ के बिठा लिया। हाँ, हाँ, बोले कि ले ही जाना पड़ेगा गाय। हाँ, जबरदस्ती दे रहे थे गाय। हाँ। मेरे को, मैंने कहा किस बात के पैसे दो, राहुल भैया आ रहे मेरे? हाँ। नहीं, मेरे को राहुल भैया नहीं चाहिए, मेरे को आप ही पैसे दो अभी। राहुल भैया छुड़वाया मेरे। हाँ, इनको भी मैंने छुड़वाया। आप आए राहुल भैया, तो हुआ क्या? आप डिटेल में आप बताओ। ये ऐसा हुआ कि इन्होंने गाय रखी थी, गाय थी बाखड़ी गाय थी। हाँ। और 50,000 की दे दी इनको। हाँ। हाँ। तो इन्होंने बोला कि वो राहुल भैया और नरेंद्र भैया को बुला रहे हैं, आपको बोला था इन्होंने। हाँ। दोनों का के बुला ले, तो के बोले उनको मत बुलाओ। हाँ। हाँ। तो वह तुम बोला वो इनको ढूंढ ढूंढ के आगे बोले 5,000 दे दो, मैं फिर गाय कभी भी ले जाना। ये बोल रहे मेरे को गाय नहीं चाहिए, मेरे को लेना ही नहीं। तो इनको जबरदस्ती पकड़ लिया, इनको सब तीनों को पकड़ लिया, बिठा लिया के गाय ले जानी, ले जानी पड़ेगी। फिर मैं आया, फिर मैंने बोला कि नहीं ले जाए, तुमसे जो हो वो करो। अच्छा। तो राहुल भैया ने इनको यहाँ मंडी से छुड़ाया है, जबरदस्ती गाय दे रहे थे और इनको लेना नहीं था। तो देखो राहुल भैया अगर साथ में होते हैं मंडी में, यूँ समझो कि ये फंस गए थे, नहीं फंस गए थे ये? हाँ, वो तो फंस गए थे, वो तो आपको गाय ले ही नहीं पड़ती थी। हाँ। तो देखो राहुल भैया का होने का एक यही फायदा होता है। और इधर राम राम साहब, काम नहीं सुधरता वो। हाँ भैया, सही बता। हाँ, कई कई वो भैया का नहीं होता वो, काम नहीं सुधरता, यूँ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये अच्छी बात करी, अच्छी बात करी। भैया तालावली से है, अच्छी बात बता रहे हमको। तो आप भी राहुल भैया से जुड़े, 8319984072 इनका नंबर है,